प्रियंका करने वाली हैं जोधपुर में निक जोनस से शादी, 1 तारीख को क्रिश्चियन वेडिंग, 2 तारीख को इंडियन वेडिंग। लेकिन जनाब, जब बारात लेकर निक जोनस पहुंचेंगे उम्मीद भवन, तो क्या घोड़ी चढ़ेंगे? ये सवाल प्रियंका ने पूछा था निक से, तो क्या मिला जवाब, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस जोधपुर पहुंच चुके हैं, जहां इस जोड़ी की शादी की रस्में भी शुरू हो गई हैं। जोधपुर के उम्मीद भवन में निक जोनस का परिवार और उनके करीबी दोस्त बाराती बनकर पहुंचे हैं। निक जोनस भले ही विदेशी हों, लेकिन देसी गर्ल की शादी पूरी तरीके से भारतीय रीति रिवाज से भी होने वाली है, यानी कि एक क्रिश्चियन वेडिंग, एक इंडियन वेडिंग। अब चाहे इस जोड़ी की रोके रस्में हों या फिर शादी की रस्मों की शुरुआत से पहले गणेश पूजा, निक और उनका पूरा परिवार प्रियंका चोपड़ा के तीसरी रंग में रंगा हुआ नजर आता रहा है। ठीक इसी तरीके से जानकारी के मुताबिक निक और उनका परिवार प्रियंका से शादी करने के लिए बारात भी निकालने वाले हैं। लेकिन इन सबसे पहले ही प्रियंका ने अपने दूल्हे से पूछ लिया, क्या तुम घोड़ी पर बैठ पाओगे? दरअसल प्रियंका ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि निक जोनस शादी में पूरी तरीके से भारतीय दूल्हे की तरह सज धज के नजर आएंगे, साथ ही वो बारात के साथ शादी के स्थान तक पहुंचेंगे। अब ऐसे में बारात की बात पर प्रियंका ने निक से पूछा कि क्या तुम घोड़े पर कंफर्टेबल हो, तो इस पर निक ने जवाब दिया, हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं इस पल का इंतजार कर रहा हूँ। यानी कि निक को घोड़ी चढ़ने का बड़ा शौक था, इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से भारतीय रीति रिवाज को भी चुना है। वो चाहते थे कि शादी इस तरीके से हो, वो चाहते थे कि बारात जाए, और वो ये भी चाहते थे कि वो घोड़ी चढ़े। अब आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका में ये सब होता नहीं है, तो निक को शौक था घोड़ी चढ़ने का। अब प्रियंका ने पूछ लिया कि कंफर्टेबल हो, तो निक जनाब तैयार हैं और तो और एक्साइटेड भी हैं। बहरहाल आपको बताते चलें कि 1 तारीख को क्रिश्चियन वेडिंग होने वाली है और 2 तारीख को होने वाली है भारतीय परंपरा से शादी। वैसे आपको बताते चलें कि इनकी शादी की रस्में जब शुरू हो चुकी है, तो सारी अपडेट्स हम आपको लगातार हमारे चैनल पर दे रहे हैं। और तो जब इनकी शादी होगी, अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन पहुंचा है, कौन आया है, ये सारी इनसाइड खबरें भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।